साइंस वन में पेपर चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें डायग्राम्स है, इसमें न्यूमेरिकल्स है, इसमें थ्योरी के क्वेश्चंस है, बहुत सारा सब कुछ आपने लिखा होता है, इसको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्राई करना ये टाइम मैनेजमेंट फॉलो करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हाल नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुगाता में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग फिर कुछ बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ हाजिर है। आज का सब्जेक्ट साइंस पार्ट वन रहने वाला है। अब इस साइंस पार्ट वन में कौन सी गलतियां आप कर सकते हो या फिर कहां पे आपको ध्यान देना जरूरी है, इन सारे चीजों पे कुछ पॉइंट्स लेके आया हूं मैं। एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए। बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर वन की तरफ, विच इज दैट रिवाइज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स ओनली। अब लास्ट मोमेंट रिविजन चल रहा है, ये लास्ट मोमेंट रिविजन यू शुड रिवाइज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स ओनली। अदर मटेरियल्स जो भी आपके पास है थोड़ा सा साइड में रखिएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में सारा सब कुछ दिया होता है। टेक्स्ट बुक में कोई पार्शियलिटी नहीं की होती है, टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसा सेक्शन नहीं होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं। टेक्स्ट बुक में सब कुछ दिया होता है और उसी सब कुछ को आपको एक बार पढ़ना है, एक बार गो थ्रू करना है, एक बार रिवाइज करना है। क्या पता कौन से कॉर्नर में से कोई कंसेप्ट को उठा के ऑब्जेक्टिव या फिर कोई क्वेश्चन पूछा जाए। अगर ऐसा कुछ पूछते हैं तो आपको सॉल्व करने के लिए या फिर आपको लिखने के लिए आना चाहिए, इसीलिए टेक्स्ट बुक से ही रिवाइज करना। उन सारे टेक्निकल, उन सारे साइंटिफिक वर्ड्स को पढ़ना, जानना, समझना बहुत जरूरी है, जिससे आप आगे जाके जो है वो आंसर्स खुद से फॉर्म कर पाओ। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो चैप्टर्स डिफिकल्ट है और जल्दी समझ में नहीं आ रहे हैं उनका क्या? अब जो चैप्टर्स डिफिकल्ट है, जिनको समझने में आपको दिक्कत हो रही थी प्रिपरेशन के टाइम पे भी, अब उनका क्या करें? अब आपको प्रिपेयर नहीं करना है, आपको एक ही चीज करना है, उन चैप्टर्स में से जो पहले कुछ सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एक बार देख के जाओ, एक बार पढ़ के जाओ, एक बार समझ के जाओ। क्या पता उनमें से कोई क्वेश्चन आपको अगर पूछा जाए तो आप लिख सकते हो, मतलब पीवाईक्यू उसको पढ़ के जाना है, समझ के जाना है उन चैप्टर्स के, जो चैप्टर आपने प्रिपरेशन के टाइम पे थोड़ा सा साइड में रख लिया था क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट एक बड़ी दिक्कत होती है बच्चों में। अब टाइम मैनेजमेंट को कैसा झेला जाए मैं अभी शॉर्ट में आपको बताता हूं। समझो ये वाला अगर आप फॉलो करते हो टाइम मैनेजमेंट, तो आपका साइंस वन का पेपर जो है वो परफेक्टली सॉल्व होने वाला है, फिर परफेक्ट होने वाला है आपके लिए। सबसे पहले तो 5 मिनट रीडिंग के लिए दे देना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1A and 1B जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे उसको हार्डली 20 मिनट में आपको सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2A and 2B, मतलब 2A and B में आपको 5 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसको रफली आप 25 मिनट्स दे सकते हो, विच इज मोर देन इनफ। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें अगेन 5 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए आप 40 मिनट दे सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन 1 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके लिए आप 15 मिनट्स दे रहे हो, काफी टाइम दे रहे हो। इसके बावजूद भी आपके पास 10 टू 15 मिनट्स जो है वो पेपर चेक करने के लिए रहने वाला है। और साइंस वन में पेपर चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें डायग्राम्स है, इसमें न्यूमेरिकल्स है, इसमें थ्योरी के क्वेश्चंस है, बहुत सारा सब कुछ आपने लिखा होता है, इसको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्राई करना ये टाइम मैनेजमेंट फॉलो करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट कहता है न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स में कुछ चीजों को जानना समझना बहुत जरूरी है। आपको बहुत सारी चीजें पता होगी, बहुत सारे लोगों ने बताई होगी, बट इन चीजों को जानना ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। सबसे पहला पॉइंट कहता है गिवंस को सही लिखना है। अब बच्चों की गलती क्या होती है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद गिवन जो है वो इनकम्प्लीट लिखते हैं। 4 चीजें गिवन में दी है तो 2 या 3 ही लिख लिया, और जो फाइंड करने बोला है, जब वो फाइंड करने जाते हो, जब कैलकुलेट करने जाते हो, तो आपको यही नहीं पता होता कि हमने एक गिवन टर्म को लिखा ही नहीं है, कंसिडर ही नहीं किया है, और आपका बहुत सारा टाइम उसी सॉल्व करने में जाता है। इसीलिए सबसे पहले तो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन ढंग से 2 से 3 बार पढ़ना है। सेकंड, पढ़ने के बाद जितना भी गिवन थिंग आपके पास है, आपको समझ में आया है क्वेश्चन में जो दिया है, उसको लिख के निकालो गिवन के अंडर। नेक्स्ट, यूनिट्स कन्वर्जन। गिवन पढ़ने के बाद उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने यूनिट्स दिए गए हैं, जो जो टर्म्स दिए हैं उनके यूनिट्स क्या सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर डिफरेंट है तो उसको तुरंत गिवन में ही कन्वर्ट करके एक जैसे यूनिट्स आपको डालना है। एंड लास्ट, जो आपका आंसर आएगा उसमें यूनिट देना मत भूलना, क्योंकि अगर यूनिट देना भूल गए तो टीचर्स भी हाफ मार्क्स देना भूल जाएंगे। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मूला को बॉक्स में लिखना। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जिस पर्टिकुलर फॉर्मूला का आप यूज करने वाले हो, उस फॉर्मूला को बॉक्स में डालना।
ये आपका हाईलाइट करेगा और टीचर को पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ये फॉर्मूला सही है या गलत है, उनको तभी पता चल जाएगा। और क्या पता इन फॉर्मूला के भी आपको आधे मार्क्स मिल जाए अगर सही फॉर्मूला यूज किया है तो। नेक्स्ट, पैरेलली चेक करना होगा। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय सबसे पहले तो ठंडे दिमाग से सॉल्व करना, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ लिया, गिवन को ढंग से लिख लिया, उसके बाद क्या पूछा गया है उसको ढंग से मेंशन कर लेना, और जो फॉर्मूला यूज करोगे वो फॉर्मूला यूज सही किया है या नहीं इसको पैरेलली चेक करो, फॉर्मूला सही यूज किया है तो उसमें वैल्यूज सही डाले या नहीं इसको भी पैरेलली चेक करो, वैल्यूज डालने के बाद कैलकुलेशन सही किया है नहीं इसको भी चेक करना पड़ेगा पैरेलली। ऐसा मत सोचना कि बाद में करूंगा लास्ट में करूंगा, नहीं, ये सारे चीजें आपको पैरेलली ही करनी है। और लास्ट में ये भी देखना कि सब कुछ सॉल्व करने के बाद मैंने क्या यूनिट डाला है या नहीं, ये सारी चीजों को पैरेलली चेक करोगे तो आपका न्यूमेरिकल जो है वो परफेक्ट रहने वाला है। बाद में करेंगे ये सोच के बिल्कुल भी नहीं करना है, क्या पता बाद में आपको टाइम ही ना मिले, क्या पता बाद में आपको 10-15 मिनट्स मिले ही ना अगर पेपर लेंदी आता है तो, तब क्या करोगे, इसीलिए न्यूमेरिकल्स को पैरेलली चेक करना। नेक्स्ट पॉइंट कहता है आंसर्स में टेक्निकल वर्ड्स या फिर साइंटिफिक वर्ड्स को अंडरलाइन करना। टीचर्स की जो मतलब टीचर्स की जो नज़र है उनको, मतलब नज़र नहीं बोलते हैं, अब टीचर्स जब चेक कर रहे होते हैं ना पेपर तो उनका अट्रैक्शन, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन आपके टेक्निकल वर्ड्स या फिर साइंटिफिक वर्ड्स की जो अंडरलाइन होते हैं वही होते हैं। अब वो वर्ड्स को जब आप अंडरलाइन करते हो उन्हें समझ जाता है कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है वो सही से पढ़ के आया है और इसने सही से आंसर लिखा है क्योंकि इसने सही से और सही साइंटिफिक वर्ड्स को टेक्निकल वर्ड्स को यूज किया है पॉइंट्स फॉर्म करते समय। तो यही सारी चीजें हाईलाइट करेगा और यही सारी चीजें आपको जो है वो बढ़ावा देगा आपके मार्क्स को बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं जिनको मेंशन करना बहुत जरूरी है जो कि इजी हो जाएगा टीचर्स के लिए भी टिक करके, हाँ फुल मार्क्स आगे इस फॉर्मेट में उनका चेकिंग होने वाला है। आगे ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग पेपर। अब काफी बच्चों को डाउट होता है कि किस ऑर्डर में पेपर को सॉल्व करें, कौन सा सेक्शन पहले सॉल्व करें, कौन सा सेक्शन उसके बाद सॉल्व करें। आफ्टर ऑल ये सारा आपका डिसीजन है, बट एक चीज ध्यान में रखना, कोई भी सेक्शन को अगर सॉल्व करते हो, स्टार्ट करते हो, तो स्टार्ट करने के बाद उस सेक्शन को एंड करना, उसके बाद ही नेक्स्ट सेक्शन पे जंप करना, ये नहीं करना है सेक्शन बी उठाया, 2 क्वेश्चंस किए, बाकी के सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट है, सोचा बाद में करते हैं, छोड़ो सेक्शन सी स्टार्ट करते, नहीं, ये चीज करोगे तो टीचर्स इरिटेट होने वाले हैं और अगर इरिटेट होते हैं तो आपके मार्क्स भी कम ज्यादा हो सकते हैं, ज्यादा तो नहीं कम ही होने वाले हैं। तो ऐसा अगर टीचर्स कोई इरिटेट हो ऐसा कुछ काम मत करना, सेक्शन स्टार्ट किया उसको एंड करना, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन को सॉल्व करना, स्टार्ट करना। नेक्स्ट पॉइंट कहता है डायग्राम्स में इन पॉइंट्स को ध्यान दें। अब डायग्राम्स के बारे में आपको बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए होंगे कि डायग्राम्स को बॉक्स में ड्रॉ करना, डायग्राम्स के लेबल्स को राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे लेबल्स को ड्रॉ करना, उसके बाद उसके हेडिंग को ऊपर देना, ये सारी चीजें आपको पता होगी। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं, अगर आपको कोई डायग्राम आपने लास्ट मोमेंट में रिविजन किया है उसका और डायग्राम आता है आप सही से ड्रॉ भी करते हो, बस उस डायग्राम में 7 लेबल्स है, फॉर एग्जाम्पल कुछ 7 लेबल्स है, उसमें से आपको 5 ही याद आ रहे हैं, 2 में कंफ्यूजन है, तो ऐसा मत करना वो 5 तो लिखे वो 2 कंफ्यूजन वाले भी ऊपर नीचे लिख दिया, ऐसा मत करना, जो कंफ्यूजन वाले लेबल्स है उनको हटा ही देना, 5 आ रहे ना ढंग से बस 5 लिख के आओ। टीचर्स को कंफ्यूज करने का काम नहीं करना है, टीचर्स को जितना इजीली आप रिप्रेजेंट करोगे उतनी इजीली वो आपको मार्क्स देंगे, जितने लेबल्स ध्यान में आ रहे हैं उतने लेबल्स अच्छे से लिख के आना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूलास को बॉक्स में रखो, कार्बन एंड कंपाउंड्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछा जाएगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को बॉक्स में रखो। अगेन ये भी एक अट्रैक्शन का फॉर्म है या फिर ये भी एक सिस्टमेटिक वे में आंसर को लिखने का फॉर्म है जो कि टीचर्स को पसंद आने वाला है और इस सारे मतलब इन्हीं सारी चीजों से इंप्रेस होके वो आपको अच्छे मार्क्स देने वाले हैं। जिस भी चीज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको पूछा जाता है या फिर आंसर लिखते समय आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने की जरूरत पड़ रही है तब भी आपको उन स्ट्रक्चरल फॉर्मूलास को बॉक्स में रखना है। समझ में आया, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है विद देयर स्टेट, कौन से स्टेट में वो पर्टिकुलर कंपाउंड है ये भी लिखना है और पूरा का पूरा इक्वेशन आपका बैलेंस्ड रहना चाहिए ये भी समझ लेना। कोई भी आंसर लिखते समय अगर उसमें आपको कोई केमिकल रिएक्शन लिखना है, केमिकल इक्वेशन लिखना है, तो वो रिएक्शन या फिर इक्वेशन में जो भी कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स आप जो इन्वॉल्व कर रहे हो कंपाउंड्स उनके स्टेट्स
और वो बैलेंस्ड रहना चाहिए, ये जरूरी है। समझ में आया? दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन, बैलेंस फॉर्म में रहना चाहिए, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बिल्कुल भी मत लिख के आना। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट कहता है, लास्ट रिविजन में डायग्राम और एमसीक्यूज को रखना। अब लास्ट रिविजन मैंने कि अब कल पेपर है, सोने से पहले कुछ चीज आप पढ़ रहे हो या फिर कुछ चीज आप रिवाइज कर रहे हो, तो वो चीज आपके डायग्राम्स और एमसीक्यूज रहने चाहिए। अगर आपके पास कोई 21 सेट वाला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन बैंक है, या फिर उस तरह का कोई और क्वेश्चन बैंक है जिसमें बहुत सारे एमसीक्यूज प्रेजेंट है, अगर ऐसे कोई बुक है तो उनमें से जो एमसीक्यूज है उन्हें सॉल्व करते बैठना लास्ट के आधे घंटे में, उनको रिवाइज करते बैठना। और हाँ, डायग्राम्स को रिवाइज करना लास्ट मोमेंट में। हालांकि अपने डायग्राम्स को लिख कर ड्रॉ कर कर भी प्रैक्टिस अगर किया होगा तब भी डायग्राम्स को लास्ट में एक बार रिवाइज करें, क्योंकि लास्ट में एक बार रिवाइज करते हो तो सुबह उठने के बाद आपको डायग्राम्स जो है वो एक बार रिफ्रेश हो जाएंगे, एकदम फ्रेशली रिवाइज हो जाएंगे, ताकि आप एग्जाम में उसके बारे में गलती ना कर सको अगर पूछा जाता है तो। समझ में आया? सो दीज वर दी ऑल ऑफ दी पॉइंट्स जो मुझे आपको बताने थे साइंस पार्ट वन के बारे में। अगर आपको ये पॉइंट्स पसंद आते हैं, समझ में आते हैं और अच्छे लगते हैं तो एक लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना। नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे नई वीडियो में।